इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कल्याण ज्वेलर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त रिश्वत लेते गिरफ्तार, लीज जमा करने की एवज में मांगे थे 60,000। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अबू बसर नकवी आए उदयपुर, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रॉपर्टी व्यवसाय को धमकाने वाले गिरफ्तार, बंदूक दिखाकर मांगे थे 20 लाख रुपए। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रिश्वतखोर आयुक्त के। लगता है सरकारी अफसर रिश्वत लेने से बाज आने वाले नहीं हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी रिश्वत लेते सामने आ ही जाता है। नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त सोमवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों धरी गई। नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त तनुजा सोलंकी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आयुक्त ने अपने दफ्तर में ही प्लॉटों की लीज जमा कराने की एवज में 60,000 रुपए की मांग की थी। इसकी शिकायत पीड़ित ने भीलवाड़ा एसीबी से की। शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने सोमवार को कार्रवाई को अंजाम दिया। पता चला कि आयुक्त तनुजा सोलंकी के खिलाफ एसीबी में 3 मामले पहले भी चल रहे हैं। एसीबी उप अधीक्षक राजेश गुप्ता ने बताया कि हरीश सोनी के प्लॉट की लीज 6 लाख रुपए बकाया थी। इसके बाद पिछले दिनों नगर पालिका द्वारा एक मुश्त लीज जमा कराने की स्कीम के तहत 1,80,000 रुपए का चेक पालिका में जमा करवाया, लेकिन आयुक्त ने चेक स्वीकार करने से मना कर दिया और फाइल गुम होने के बहाने चक्कर कटवा रही थी। बाद में आयुक्त ने हरीश सोलंकी को बुलाकर कहा कि तुम्हारी 6 लाख की लीज बनती है, इसका 10% भाग मुझे चाहिए। इसके बाद हरीश सोनी ने एसीबी को शिकायत कर दी और तय समय पर रिश्वत की राशि लेने पर एसीबी ने रिश्वतखोर को रंगे हाथों दबोच लिया। उदयपुर के धार्मिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। यहाँ पर श्री पंच कल्याणक महोत्सव समिति की ओर से पहली बार एक साथ 2 मंदिरों का भव्य पंच कल्याण महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। श्री महावीर चैत्यालय मंडी की नाल के अंतर्गत सेक्टर 3 में श्री नेमीनाथ दिगम्बर जैन मंदिर का निर्माण तथा खंडेलवाल दिगम्बर जैन संस्थान के अंतर्गत श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर का निर्माण चित्रकूट नगर में बीसा नरसिंहपुरा द्वारा करवाया जा रहा है। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में 12 से 18 मई तक दोनों मंदिरों के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। पंचकल्याण प्रतिष्ठा के आयोजन सेक्टर 3 स्थित विद्या निकेतन स्कूल में होंगे। प्रतिष्ठा में 12 मई को घट स्थापना और शोभा यात्रा निकाली जाएगी तथा गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक के कार्यक्रम होंगे। प्रतिष्ठा महोत्सव 2 जिन मंदिरों का यहाँ पर अभी हो रहा है, एक नेमीनाथ जैन मंदिर जो कि जहाँ अभी आप यहाँ बैठे हैं सेक्टर 3 में है, और एक चित्रकूट नगर में आदिनाथ भगवान का मंदिर जो अभी महिला थाने के पास में निर्माण हुआ। इन दोनों मंदिरों का पंचकल्याणक है। इसके साथ बाहुबली विहार करके डाकन कोटला में है, उनकी मूर्तियाँ यहाँ प्रतिष्ठित होंगी और यहाँ उसके वहाँ ले जाकर विधि प्रतिष्ठा करके 19 तारीख को वहाँ विराजमान करें। सो 12 मई से 18 मई तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। 12 से 17 सुबह तक विद्यानिकेतन स्कूल सेक्टर 3 में ये सारे कार्यक्रम होंगे। 17 मई को लगभग 12 बजे के पूर्व यहाँ के भगवान यहाँ विराजमान हो जाएंगे। उसके पश्चात जलूस के द्वारा आदिनाथ भगवान को चित्रकूट नगर ले जाया जाएगा और चित्रकूट नगर में 17 शाम से 18 शाम तक का विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ करके प्रतिष्ठा संपन्न, जो प्रतिष्ठा का समापन समारोह वो चित्रकूट नगर में किया जाएगा। और इस तरीके से 12 से 18 मई का हमारे कार्यक्रम होगा और हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम पूज्य
शिष्य, परम प्रिय शिष्य श्री मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज ने हमें इसकी सहमति प्रदान की है और उनके द्वारा ये प्रतिष्ठा कराई गई। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अबू बसर नकवी सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। नकवी के उदयपुर पहुंचने पर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से पार्टी कार्यालय पर स्वागत किया गया। स्वागत से पहले सर्किट हाउस में नकवी ने लोगों से मुलाकात की। पार्टी कार्यालय में स्वागत के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नकवी ने कहा कि उदयपुर दौरे पर उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों सहित कब्रिस्तानों का दौरा किया है और कई जगहों पर काम होने की गुंजाइश है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और उन जमीनों के मामलों में न्यायालय से फैसले आ चुके हैं, ऐसे में उन जमीनों को मुक्त करवाने के लिए लोगों से बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की जाएगी। नकवी ने कब्रिस्तानों की जमीनों को समुदाय को दिए जाने की सिफारिश करते हुए मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करने की भी बात कही। और जितने भी सकारात्मक काम जैसे ना मुझे और लग सकता है, इन सारी बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी उनके जरिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 API उसकी शुरुआत हमारे गवर्नमेंट पहले वसुंधरा जी आई तब भी और अभी भी हजार उसके लिए भी कोशिश कर ली, हमने सिर्फ छलावा किया है, सिर्फ हमें आईना दिखाया तुम्हें ये दे रहे हैं तुम्हें ये दे रहे हैं, लेकिन नतीजा यह है कि जहाँ पर हमारे अतिक्रमण हो रखे हैं और बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर कोर्ट से हम जीते हुए हैं लेकिन खारिज नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए हम कोशिश तो ये कर रहे हैं जिन लोगों अतिक्रमणकारी है उनसे मिल बैठ के बात करें, उनको समझाइश से बात करें कि उनको भी ऐसी परेशानी ना आए कि वहाँ पर रहने के बजाय उनको परेशानी हो, और हमें बग बोर्ड को भी इसको ऐसा वो मिला जिससे कि उनको भी उनको रहने को मिले और हमें भी इसके अंदर काम करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि हमने जोधपुर के अंदर कई जगह देखा है कि ज़मीन के अंदर जो आदमी अतिक्रमणकारी होते हैं उनको भी हम परेशान नहीं कर पाते और उसका काम में करने में हमें मदद मिलती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनसे इस बात को चर्चा करके हमारे वक्फ को अंतरित करेंगे, भाई जो हमारी जो जायदाद हैं ये वक्फ के नाम ही होना चाहिए, जो कब्रिस्तान जो हैं इनका कहीं ना कहीं हमारे नाम हो ताकि इसकी हिफाजत इसके काम में करने के लिए हम कर सकें। और बहुत सी जगह ऐसे भी जो हमारे पास हैं लेकिन रेवेन्यू वाले उसको इंदराज नहीं कर रहे, उसके लिए भी हम एक मीटिंग ऐसे जा रहे हैं, हमारे जो ACS साहब हैं विपिन शर्मा जी उनके जरिए कलेक्टरों को बुला के संभाग वाइज उनसे बात करके इस बात के निर्देश दिलाएं राजस्थान सरकार से कि जो हमारी मिल्कियत है बिल्कुल क्लियर हमारे साथ है, उनको रेवेन्यू के अंदर तो ऐड किया जाए, तो मैं समझता हूँ जल्दी इस काम को भी हम सकारात्मक करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। देखिए ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स आ रहे हैं राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, तो पधारो मारो देश। कल्याण ज्वेलर्स 24 अप्रैल से राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं, जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं, खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is health. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 02942414256
और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर, फोन 2640452। और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझ कर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए, अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टेक्ट 9413762552, 9828164598, www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 41 दिनों तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार के एक्साइज ड्यूटी का विरोध करने वाले सराफा व्यवसायियों ने सोमवार को सांकेतिक बंद रखा। राजस्थान सराफा संघ के निर्देशानुसार आधे दिन दुकानें बंद रखी गई। सोमवार को सरकार के निर्णय के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया गया। उदयपुर में सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्र सिंह मेहता ने बताया कि आखा तीज और सावों के सीजन को देखते हुए उदयपुर में अगले 4 दिनों तक सराफा की दुकानें खुली रहेंगी, तथा इसके बाद भी अगर सरकार की ओर से किए गए वादों को कानूनी रूप में परिणत नहीं किया गया तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन बंद के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज 25 तारीख को राजस्थान सराफा संघ के निर्देशानुसार एक दिवसीय बंद का आयोजन किया गया, लेकिन क्योंकि साउथ राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिंडर, कानोड, चित्तौड़ आदि के खुलने की वजह से आधे दिन बंद रखकर पुनः व्यापार प्रारंभ किया गया। आज विशेष बात यह है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर की एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी को छोड़कर सभी प्रमुख विपक्षी दल उसमें एकत्र हो रहे हैं और अगली रणनीति तय की जाएगी। शाम तक
हमें आगे की रणनीति के बारे में जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। तब तक हमें केंद्र सरकार के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि जो मौखिक वायदे एक्साइज ड्यूटी के बाबत किए गए थे, जिनके लिए हड़ताल 41 दिवसीय हड़ताल को समाप्त किया गया था, वह लिखित में कानून के रूप में परिणित हो जाएंगे। आने वाले समय में निकट भविष्य में सावों को देखते हुए और आखा तीज के त्यौहार को देखते हुए विगत 3-4 दिनों तक मार्केट यथावत खुला रहेगा, उसके पश्चात आगे की रणनीति तय की जाएगी। और अनिश्चित, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इस बार अनिश्चितकालीन बंद के साथ ही उग्र आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। धन्यवाद। उदयपुर के हाथीपुल थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी व्यवसाय को धमकाकर फिरौती मांगने के मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मोती मंगरी में 1800 स्क्वायर फीट जमीन को लेकर मुस्लिम बंदूक वाला और आरिफ के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और आरिफ ने अपने 6 साथियों के मार्फत मुस्लिम बंदूक वाला को धमकाकर राशि वसूलने की कोशिश की। इस मामले का सोमवार को हाजीपुर थानाधिकारी राजेश शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि मुस्लिम बंदूक वाला के घर में 14 अप्रैल की रात को लोकेश हरिजन और मुजफ्फर उर्फ गोगा ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ घुस गया और पिस्टल दिखाकर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इसके बाद मुस्लिम बंदूक वाला की ओर से हाथीपुल में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान किया तो यह बात सामने आई कि लोकेश और उसके 4 अन्य साथी जमीन विवाद को लेकर घर में घुसे थे। पुलिस ने अब इस मामले में लिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य की तलाश जारी है। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने यह भी बताया कि अभियुक्तों से एक पिस्टल बरामद की है और आगे की तफ्तीश जारी है। फोटो आए ग्यारह अप्रैल का घटनाक्रम है। चमनपुरा में मुस्लिम भाई बंदूक वाले का ऑफिस है, वहाँ पर 6 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और उसके ऑफिस में घुस के 2 युवकों ने पिस्टल दिखाकर और 20 लाख रुपए की मांग की। आधी घटनाक्रम पर थाने पे मुकदमा पंजीबद्ध हुआ। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने गंभीरता को लेते हुए टीम का गठन किया और प्रयास करते हुए तुरंत प्रभाव से मुलजिमों को दस्तयाब किया गया है। 5 मुलजिम अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें साजिद है, तौसीफ है, लोकेश है, दीपक हरिजन है, मोनू हरिजन है। लोकेश हरिजन से पिस्टल बरामद की गई है। घटनाक्रम में सामने आया कि मुस्लिम भाई बंदूक वाले ने शौकीन नामक आदमी से एक प्लॉट खरीदा था, जिसके साथ बिला नाम जमीन जुड़ी हुई थी। शौकीन के बेटे आरिफ ने इन बदमाशों से संपर्क करके कहा कि मेरे पिताजी से ये पूरा प्लॉट है जो सस्ता ले लिया और इसके साथ बिला नाम जमीन का कोई पैसा नहीं दिया। इस पे आरिफ ने बदमाशों से संपर्क किया और मुस्लिम भाई बंदूक वाले को धमकाने के लिए इन लोगों को भेजा। मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। देश के शुष्क क्षेत्रों में चारे और अनाज के लिए महत्वपूर्ण फसल के रूप में स्थापित हो चुकी ज्वार को लेकर उदयपुर में सोमवार को अखिल भारतीय स्तर की एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में देश भर के 20 अनुसंधान केंद्रों के 140 से ज्यादा वैज्ञानिकों की मौजूदगी में शुरू हुई इस 3 दिवसीय कार्यशाला में वर्ष भर हुए ज्वार के अनुसंधान को लेकर चर्चा की जा रही है। यही नहीं, इस कार्यशाला में आगामी वर्ष के लिए ज्वार फसल को लेकर कार्य योजना को भी तय किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यशाला में वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष भर में ज्वार फसल की नई खोज की किस्मों को लेकर भी महत्वपूर्ण मंथन किया जाएगा और इसके लिए बनी कमेटी नई किस्मों को अंतिम रूप से प्रतिपादित करेंगी। Over the years, in the Rabi environment, where drought, I can't compare the same with the Kharif, where everything is. Should the trial be only in the natural drought situations, or we also should have, apart from one natural side, with the irrigation? When genotypes are being tested for that, let it be natural. If it died, let it. This is it. Otherwise, under extreme conditions, so sir, your views on that? I'm
running during Rabi where there is no irrigation to establish the trial. Or you want to have something, so it's a major addiction, administrators and should think. As I see personally, we should have at least got the trial established. And this is the major dilemma. We give the protective irrigation. So unless there is something we evaluate, and if we keep on hoping the trials will come and we will plan the Rabi trial sometime October, September, end of October, beginning. ये 3 दिवसीय है, ज्वार की 46वीं कार्यशाला ये शाला है, जिसमें अपने पूरे राष्ट्र से करीबन 20 इसके केंद्र हैं, वहाँ से 150 के आसपास वैज्ञानिक इकट्ठे हुए हैं, और वो इस पर डिफरेंट जो अपने जो साल भर उन्होंने काम किया उसका लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत करेंगे, और अभी उनका आज के सभी प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, और हर जो भी एक केंद्र से एक वैज्ञानिक यहाँ अपनी प्रेजेंट करेगा, और उस प्रेजेंटेशन के वो बताएगा कि भाई मैंने साल में ये काम किए हैं, जिसमें जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे पादप प्रजनन विभाग हैं, एग्रोनॉमी हैं, पादप व्याधि विभाग है, कीट विज्ञान है, अपने क्रॉप फिजियोलॉजी हैं, ये सभी वैज्ञानिक एकत्रित होकर अपने अपने जो वहाँ का हर स्टेशन पर जो काम हुआ उस काम को यहाँ प्रस्तुत करेंगे, और प्रस्तुत करने के बाद में फिर वापस ये अलग अलग अपने इकट्ठे होकर अगले साल क्या प्लानिंग करनी है उसको तय करेंगे। प्लस जैसे हर साल जो वापस जितना भी काम किया गया भाई ये अलग अलग अपनी वेंट्रियाँ देते हैं ये इसमें वेराइटीज़ की, तो भाई ये वेराइटी की ये परफॉर्मेंस रही, इसमें से इसको अगले साल ले जानी या नहीं ले जानी वो तय करेंगे। फिर वो वापस ऐसे 3 साल तक एक वेराइटी टेस्ट होती है, जो अच्छी वेराइटियाँ आती है उनको फिर ये शाम को वापस एक वेराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी की एक मीटिंग होगी, जिसमें वो जो 3 साल जिन्होंने सक्सेसफुली पूरा कर लिया, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी पुरानी जो अपने जातियाँ उनसे, तो उनको फिर ये जो है अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए करेंगे कि अब इसको राष्ट्र लेवल पे या जिस किसी क्षेत्र में अच्छी परफॉर्म की उस क्षेत्र के लिए उसको अपन रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि उसका सीड प्रोडक्शन के अंदर जो है वो चैनल में आ जाए और फिर उसका बीज उत्पादन शुरू कर दिया जाए। तो ये शाम को जो वेराइटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी उसमें ये तय होगा। इसके साथ ही कल इसका वापस उद्घाटन समारोह है, उसके अंदर जो है जो वहाँ का केंद्र के जो डायरेक्टर हैं वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके अलावा इसमें जो अलग अलग लीड टॉपिक्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में जो इसमें अभी जो रिसर्च हुई साल भर में उसके ऊपर वो प्रेजेंट करेंगे। जो भी इस पूरे संसार में कहीं पे भी अगर अच्छी चीज़ें हुई है तो सब वैज्ञानिकों को जानकारी देने के लिए वो प्रेजेंट करेंगे। वो होने के बाद में परसों के दिन जो है वापस ये देखेंगे कि भाई हम इसमें मीटिंग के दौरान क्या लेखा जोखा प्रस्तुत हुआ, क्या प्लानिंग हुई, उस सबको जो है वो वापस तय करके और वापस यहाँ से विदा लेंगे अगले साल एकत्रित होने के लिए, और साल भर जो भी काम होगा फिर उसको प्रस्तुत करेंगे। सुप्रसिद्ध तुलिका कलाकार इंदिरा प्रकाश की चित्र प्रदर्शनी पराशक्ति का सोमवार को शहर के सूचना केंद्र में आयोजित किया गया। इस चित्र प्रदर्शनी के लिए चित्रकार इंदिरा प्रकाश ने ऑयल एवं फैब्रिक कलर्स का प्रयोग करते हुए इन आकर्षक कैनवास पेंटिंग्स को तैयार किया है। प्रदर्शनी में पराशक्ति, बुद्धा, बुद्धा एवं यशोधरा, अ लवर्स टेल, पार्ट टू इनर सेल्फ आदि पर आयोजित कैनवास की आकर्षक ढंग से तैयार पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया है। कैनवास पर उकेरे इन मनमोहक चित्रों को देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शक सूचना केंद्र पहुंचे और इस अनूठी पेंटिंग्स को निहारा। चित्रकार श्रीमती इंदिरा प्रकाश के चित्रों की ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ऑटोफिल आर्ट गैलरी उदयपुर एवं बागोर की हवेली कला दरगाह में प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी है, जिन्हें आला दर्जे के कलाकारों एवं कला प्रेमियों ने खूब सराहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की नजर लाइंस पर। नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त रिश्वत लेते गिरफ्तार, लीज जमा करने की एवज में मांगे थे 60,000। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अबू बसर नकवी आए उदयपुर, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रॉपर्टी व्यवसाय को धमकाने वाले गिरफ्तार, बंदूक दिखाकर मांगे थे 20 लाख रुपए।
अब आप अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल उदयपुर न्यूज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज़, उसमें अपनी लॉगिन आईडी अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।